लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। हरियाणा में समय पर हो सकती है मानसून की लैंडिंग। 27 जुलाई को गर्मी से राहत मिलने के आसार। चंडीगढ़, मानसून हरियाणा में समय पर लैंड कर सकता है। यह अमूमन 27 जून से 7 जुलाई के बीच हरियाणा में आता रहा है। पिछले साल जहां 27 जुलाई को मानसून ने राजस्थान के रास्ते हरियाणा में दस्तक दी थी, अब की बार यह यूपी के रास्ते दाखिल हो सकता है। 29 जून से 1 जुलाई के बीच प्रदेश में मानसून दस्तक देगा, जबकि आज से प्रदेश के कई जिलों में मौसम बदल जाएगा। 26 से 28 जून तक प्री मानसून की बौछार पड़ सकती है। इधर मानसून के समय पर आने से प्रदेश में करीब 30 लाख हेक्टेयर में खरीफ की बोवनी को सीधा लाभ मिलेगा, खासकर 14.72 लाख हेक्टेयर में धान, 7 लाख हेक्टेयर में बाजरा की बुवाई तेजी से होगी। ग्वार व अन्य फसलों को भी लाभ मिलेगा। 5.69 लाख हेक्टेयर में खड़ी कपास में बरसात से फायदा होगा। 460 mm होती है प्रदेश में मानसून बरसात। प्रदेश में 1 जून से 30 सितंबर तक का समय मानसून समय माना जाता है। इस अवधि में औसतन मानसून की बरसात 460 mm होती है। सबसे अधिक बरसात हरियाणा के यमुनानगर जिले में होती रही है। 48 घंटे में यूपी फिर हरियाणा में झमाझम। आईए मड्डी के अनुसार अगले 48 घंटे में मानसून यूपी में दस्तक दे देगा। इसके बाद यह हरियाणा व दिल्ली के अलावा उत्तर भारत के अन्य राज्यों में पहुंच जाएगा। अब की बार प्रदेश में मानसून में सामान्य बरसात हो सकती है। ये भी होगा लाभ। मानसून का सबसे बड़ा फायदा, 8 लाख ट्यूबवेलों से निकल रहा पानी का आउटपुट कम हो सकेगा। इससे भूजल स्तर तेजी से नीचे नहीं जाएगा। यमुना नदी के अलावा भाखड़ा नहर का जल स्तर भी बढ़ सकेगा। लू से राहत मिलेगी। अरब सागर से आई खुशखबरी। अरब सागर से खुशखबरी आई है क्योंकि वहां पर काफी क्लाउड मास है। नमी गुजरात एरिया से भी हरियाणा की ओर आ सकती है और बादल निकल सकते हैं। 10-26 व 27 जून को छत्तीसगढ़ व उड़ीसा में लो प्रेशर एरिया बन सकता है। इससे हरियाणा की ओर मानसून बढ़ सकता है। बंगाल की खाड़ी से भी नमी वाली हवाएं आई हैं। वहां से भी मानसून को आगे बढ़ने में मदद मिली है। हवाएं यूपी में पूर्वी हो रही हैं, इससे मानसून समय पर पहुंचने की संभावना बनी है।